अरविंद केजरीवाल अपने बयानों की वजह से बीजेपी के निशाने पर हैं। केजरीवाल बीजेपी नेताओं और पीएम मोदी पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन उनके पास उनका कोई प्रमाण नहीं होता, जिसके बाद बीजेपी के नेता कोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते। हालांकि इस बार केजरीवाल ने उस नेता से पंगा ले लिया है जो खुद आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। दरअसल 2 अप्रैल को असम में अरविंद केजरीवाल की पहली राजनीतिक रैली होने जा रही है। इससे पहले ही राज्य में राजनीतिक पारा बढ़ता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने रैली से पहले अरविंद केजरीवाल को खुली चेतावनी दे डाली। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोले कि मैं भ्रष्ट हूं और अगले ही दिन मैं मानहानि का मुकदमा दायर कर दूंगा। वहीं मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी किया था। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर दिल्ली विधानसभा में कहा था कि सरमा के खिलाफ अन्य राज्यों में मामले दर्ज हैं। इसी बयान के बाद असम के सीएम का उनके खिलाफ बयान सामने आया है। उन्होंने केजरीवाल को खुली चुनौती देते हुए कहा कि केजरीवाल अपने आरोपों को एक बार असम में आकर लगाएं। एक कायर की तरह केजरीवाल ने विधानसभा में ये बात बोली है। सरमा ने कहा, अभी इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं किया है, लेकिन अब वो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या देश के किसी भी हिस्से में मेरे खिलाफ कोई मामला है। मैं मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहता हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कायर की तरह विधानसभा के अंदर बोले, इसीलिए उन्हें असम आने दे। शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि देश के किसी भी हिस्से में उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा में किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, जहां आप जानते हैं कि वो इंसान बचाव करने के लिए नहीं है। उन्होंने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। शर्मा ने दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पिछले साल अगस्त में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में शर्मा के खिलाफ कुछ आरोप लगाने के लिए ये मुकदमा दायर किया गया था। बीजेपी नेता शर्मा तब स्वास्थ्य मंत्री थे और अब इस बार शर्मा ने केजरीवाल को पहले ही चेता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।